देखो यार, इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर आपको आगे जाकर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। रिसेंटली ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने हैवल H6S इस कूपे स्टाइल SUV कार को लॉन्च किया है ग्लोबली, और ये कार काफी हद तक कमाल की है। ये कूपे स्टाइल SUV कार है। इसके जो फ्रंट फेशिया है और इसका जो रियर का फेशिया है दिखने में काफी हद तक कमाल का है। इस कार को भी इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि ग्रेट वॉल मोटर कंपनी इंडियन मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली है। ये कार कंपनी अपनी पहली कार को इस फेस्टिव सीजन के आसपास इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। वही अगर मैं इस कूपे स्टाइल SUV कार के डायमेंशंस की बात करूं तो इस कार की लेंथ है 4714 mm की। वही इसकी वेट 1940 mm की है। इसकी हाइट 1729 mm की है और कंपनी ने इसके अंदर 2738 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। वही इंजन स्पेसिफिकेशंस के तौर पर इसके अंदर आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जैसे कि कंपनी ने इसके अंदर एक पेट्रोल इंजन और एक हाइब्रिड इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है। कंपनी ने इसके अंदर 2.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया हुआ है। इसके अलावा 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन भी इसके अंदर दिया हुआ है। इसका हाइब्रिड इंजन लगभग 248 PS की पावर आउटपुट और 540 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। तो इस कार के अंदर आपको फॉर्चुनर से भी ज्यादा पावर आउटपुट देखने को मिल जाएगी इसके हाइब्रिड इंजन के अंदर। वही अगर मैं इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं तो आप इसका फ्रंट फीशा देख सकते हैं, इसका रियर का फीशा और इसका साइड प्रोफाइल आपके सामने है। फ्रंट से दिखने में काफी हद तक कमाल की है। पर्सनली मुझे इसके ग्रिल्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे, मतलब इतने अट्रैक्टिव इसके ग्रिल्स नहीं है, लेकिन इसका जो लाइटिंग का सेटअप है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसके अंदर कंपनी ने फुल LED हेडलाइट का सेटअप का इस्तेमाल किया हुआ है। LED DRL भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसके फ्रंट के बम्पर्स थोड़े से स्पोर्टियर रखने की कोशिश की है। वहीं इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से भी ये दिखने में काफी तक कमाल की लगती है। इसका स्लोपिंग रूफ लाइन ठीक ठाक है, इतना भी अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू BMW की X6, मेरी तो फेवरेट है वो। वही कंपनी ने इसके अंदर 19 और 20 inches के अलॉय व्हील का इस्तेमाल किया हुआ है। रूफ रेल्स का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके अलावा बॉडी कलर के ORVMs विद टर्न इंडिकेटर का फीचर भी इसके अंदर दिया जाता है। वही अगर मैं इसके रियर फीशा की बात करूं तो स्क्रीन के ऊपर इसका रियर फीशा आप देख सकते हैं, दिखने में काफी हद तक कमाल का लगता है। हैवल की बैजिंग इसके रियर में आप देख सकते हैं टेलगेट के ऊपर। इसके अलावा इसके रियर में आपको ड्यूल स्पॉयलर्स भी मिलने वाले हैं। स्प्लिट LED टेल लाइट का सेटअप भी इसके रियर में दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं तो इसका जो एक्सटीरियर डिजाइन है ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब जिस तरह से BMW की X6 दिखती है तो उसकी कॉपी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी कम कीमत में यहाँ पर आपको BMW X6 के मजे मिलने वाले है। अगर मैं इसके इंटीरियर फीचर्स की बात करूं तो इसके इंटीरियर में कमाल के फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स को इंक्लूड करा गया है। इसका इंटीरियर का जो थीम है वो आपको थोड़ा सा स्पोर्टियर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इसका सीट का डिजाइन आप देख सकते हैं, स्पोर्टियर सीट्स इसके रखे हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर कंपनी ने 12.3 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया हुआ है। वही स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल का इस्तेमाल भी इसके अंदर किया हुआ है। हालांकि स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्यों इसके अंदर दिया हुआ है ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन इसके अंदर आपको वो चीज मिलने वाली है। इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के ऊपर, इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, इसके सीट्स के ऊपर, अपोस्टर के ऊपर आपको प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। ये काफी हद तक बढ़िया चीज है। तो इसका जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा स्पोर्टियर रखने की कोशिश की है, ये भी काफी हद तक कमाल की बात है। वही इसकी लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूं तो ग्रेट वॉल मोटर कंपनी इसको अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है और इसकी कीमत 20 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन।